तो अभी या ओ या 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 यू नो इट्स अमेजिंग इट्स ऑटो करेक्ट एंड वी ऑल नो दैट इट्स ऑटो करेक्ट. आई वाज इन लंदन और नाइट शूट चल रहा था तो मैं थक गया. ऑब्वियसली मैंने यू नो मस्टर्ड मस्ट हैव बीन यू नो टाइप बाय माय फोन मलाला और वो मसाला हो गया और वो प्राइस का प्राइस हो गया और मैंने ठीक है मैं मतलब छोड़ दिया मैंने एंड आई वेंट बैक टू स्लीप शूट एट 6 इन द मॉर्निंग. और जब मैं सुबह उठा तो यू नो इट वाज अ ब्लंडर एंड बट द फनी पार्ट आई थॉट दैट यू नो आई एक्चुअली थॉट दैट इट वाज फनी फॉर मी इट वाज फनी बट व्हाट आई रियलाइज दैट यू नो जो मैंने मेहनत पतला होने के लिए एक्टिंग करने के लिए ये करने के लिए पब्लिसिटी कभी नहीं मिली और एक गलती कभी मिली सो इट वाज फनी बट या नॉट नॉमिनेटेड इट्स अ लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज्ड but we send it as an Indian I'm very happy ki matlab chale gayi ab matlab Oscar mein point you know to be happy. Yeah, I think it's youngestan and the film which has gone as an official entry from India. Yes, India redeem kar payegi. Yeah, pitches to difficult hai you know India last time but obviously har hindustani ko lagta hai ki saal pe lagta hai ki is bar bhi India hi jeetegi to main bhi yahi kahunga India hi jeete but may the best favorite khiladi to mera Yuvraj Singh hai I'm set but apart from that I would say Virat Kohli रोहित शर्मा एंड महेंद्र सिंह धोनी. बहुत एक्साइटमेंट होता है बिकॉज क्या मेरे डैड प्रोड्यूसर लगता था कि बड़ा होके ना मैं खुद चाहूँ खुद बैठो और सबके अपने सपने होते ड्रीम्स होते हैं स्पेशली गिल्ड बिकॉज ये की ऑर्गेनाइज की हुई अवार्ड फंक्शन. आई थिंक बहुत अवार्ड फंक्शन होता है बट मुझे डांसर्स को काम मिलता है देखिए एवरी टाइम आई गॉट टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक गाना 10 अवार्ड हाउ टू चेंज इट हाउ टू मेक इट न्यू सो आई फाइंड दैट क्रिकेट के बारे में बहुत कम सॉरी आई थिंक आई लाइक लगता है कुछ भी हो सकता है. I love Parineeti Chopra, Cleen Fernandez. Favorite of all is when I'm because main aaj choreographer Amitabh ji ko aur Jacqueline ko. Namaskar, namaskar, namaskar. Badhiya. Sir, award function aapke liye kya hai aapka? Ab award function rakha technicians ka hard work ko appreciate uska bahut mere man mein bahut appreciate karta hu use. Lekin award function hai वो दरअसल उन लोगों का अवार्ड फंक्शन है जिन्होंने फिल्म की तकलीफ पेन एक्सपीरियंस किया है. वो फिल्म मेकर कहानी ढूंढी है किया है टेक्नीशियंस को इकट्ठा किया है पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं ये क्या लोकेशन होगी फिर इसी बुलाए कि डिस्ट्रीब्यूटर पसंद करेंगे कि नहीं पब्लिक पसंद करेगी कि नहीं करेगी हमारे पास नहीं आएंगे पूरी तो आखिर में पूरी खुशी को जिन फ्लिक्स है ये आज का अवार्ड है तो ये अवार्ड है जो मैं चाहूंगा कि इस साल चूंकि मेरी फिल्म नहीं है अगले साल इस कंपटीशन में हो और हासिल करो. ऑफ कोर्स बिल्कुल लगता है बहुत ही काबिल शानदार खिलाड़ी हैं हमारी कंट्री के बहुत ही डेडिकेटेड हैं और वो जानते हैं चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप जीते मुझे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? जब शुरू और थोड़ा शुरू होगा कोई एक नाम धोनी कंसिस्टेंट है बहुत आज के न्यू कमर्स हार्ड वर्किंग है बहुत ही रेडी जब पहले न्यू कमर्स आते थे तो बहुत काम के दौरान सीखते थे आज के न्यू कमर आते हैं हर तरह से तैयारी आज के न्यू कमर्स जो हैं एक्टर्स जिन्होंने 10-10-15 सर एक क्वेश्चन है कि आपने ट्रिब्यूट होता है कोई भी अवार्ड के कहने का क्या मतलब ये पूरी जो भी मेहनत होती है क्या आपका देखिए मैं की ट्रिब्यूट नहीं अप्रिसिएशन कि आपके काम को सराह की आपने बहुत शानदार और जब आपका सम्मान किया जाता है दुनिया देखती है लोगों को पता बेस्ट खलनायक का वो स्वर को जाता है
या बेस्ट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को जाता है, किया उस काम का जब एप्रिसिएट, तो उसके लिए बहुत ही डायलॉग अवार्ड मिलेगा तब दिल गट तो नहीं है। It's a wrong time. It's an emotional moment. Thank you very much. अवार्ड से ज्यादा जो पर्सनैलिटीज जो गैदर होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो एक ज्यादा अट्रैक्शन रहती है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग सारे अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो काफी रेयर मोमेंट्स होती भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे लिए वो ज्यादा अट्रैक्शन होती है। कोई ऐसा खास लम्हा बताएं जब आपको कोई अवार्ड मिला हो और वो यादगार लम्हा रहा हो। Definitely the first award when I got for Chhaiya Chhaiya, that was a very new thing for me. I love every kind of sports, so there's not particular for at least cricket I have not much knowledge, but my best wishes is there. Definitely, definitely. बोल के नहीं, मेरा किस विशेष दी हुई है, नहीं मैंने ऑलरेडी दी है, मेरी बेस्ट विशेष है, सो मेरी बेस्ट विशेष इज दैट कंट्री एवरीवन इज द बेस्ट प्लेयर, आई थिंक सो विराट इज बट द ब्रिलियंट, ही इज एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड एवरीबॉडी विल डू डेफिनेटली एंड आई थिंक सो ही विल बी पार्ट ऑफ कंट्री जी। थैंक यू Nanika and a Burberry bag. Thank you. Cricket World Cup aa raha hai 2011 hum tha India ne jeeta 2015 World Cup kya hum retain lagta hai. Sorry, what was the last get the last bit? retain the World Cup. I really hope so. I really do hope that probably be my message to all of to team play as good this time as we did last World Cup. Hey. That's an old friend. My favorite player, I don't know what changes. I think Virat's a pretty interesting player. Yuvraj Singh, I really, really enjoyed him last World Cup. So, yeah, it just depends. Yuvraj is not playing. Bit disappointed, huh? He's a good player. Pardon me? What about it? Who will win? I don't know. I don't know. I really don't know. I can't answer that. Very soon, I will tell you. Very soon. Cool? That's it. Hey! You too. Are you doing PR for Winter Town? I have a long story. नहीं, अवार्ड फंक्शंस को एक स्पिरिट पे लिया जाना चाहिए। एक ये उत्सव का माहौल होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है। जितना हम लोगों को खुशी मिलती है कि हमारे गानों को लोग हमारे काम को और हमारी फिल्मों को सराहें हमारी ऑडियंस, उतनी खुशी बात से मिलती है कि हमारे अपने जो फ्रेटर्निटी है वो भी उसे उतना ही प्यार करे और उसे उतना ही सम्मान दे। क्यों नहीं करेगी पूरा? अभी देखिए फर्क ये हो गया कि पहले के इंडिया में और अब के इंडिया में, कि पहले क्या होता था कि हमें एक स्टार है, दो स्टार है, उनके ऊपर डिपेंड करते थे। अब एक इंडिया एक बहुत बड़ी टीम की तरह काम करती है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। पहले उम्मीद की दो किरणें होती थी, अभी उम्मीद का पूरा जमघट होता है। तो कहीं से भी किसी भी तरह से हिंदुस्तान को जीतना चाहिए और मेरी तो शुभकामनाएं हैं और मुझे बहुत आशा है। नहीं, मैं इंडियन टीम के लिए इस वक्त कविता तो इंस्टेंटली नहीं बोल सकता, लेकिन एक भावना जरूर व्यक्त कर सकता हूँ कि वो जब खेलते हैं वहाँ पिच पे जा करके, तो वो ये कभी ना सोचें कि वो अकेले खेल रहे हैं,
वो अकेले नहीं खेलते, उनके साथ करोड़ों लोग खेलते हैं जो इस देश के उनके चाहने वाले हैं और देश के वासी हैं। अब फेवरेट खिलाड़ी हम अभी जैसे हमारे सचिन जी तो थे ही और रहेंगे हमेशा, कपिल देव जी हैं वो हमेशा रहेंगे। अभी इस टीम में बहुत सारे लोग हैं, मेरे हिसाब से ये टीम एक ऐसी टीम है जिसमें एक इंद्रधनुष है खिलाड़ियों का। तो इस टाइम पर मैं यही मैं आपसे कह रहा था कि एक दो खिलाड़ियों को अलग नहीं करना चाहिए। ये टीम में आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस के बहुत सारे आयाम जुड़ेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, अभी बिल्कुल मैं इंडोर्स नहीं करना चाहता किसी को, इस पूरी टीम को मैं इंडोर्स करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।